नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच एक सबसे ज्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए। बड़ी खबर को विस्तार समझाएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको बड़ी खबर को विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी 2-3 दिन से। वो वीडियो आपने भी देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, लगातार आप स्क्रीन पर वो वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में भारतीय संविधान लेकर एक व्यक्ति बैठा हुआ है कूड़े के पास और उस कूड़े में आग लगा दी है। और इस वीडियो में जो इस व्यक्ति ने बातें कही थी वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। इस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान, भारतीय संविधान से जो लगातार निरंतर देश चलता आ रहा है 72-73 सालों से, उस भारतीय संविधान पर सवाल खड़े किए थे, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। SC ST OBCs को भी गलत बोला था। भीम आर्मी चीफ व ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को भी गलत बोला था उस वीडियो में। करीब ये वीडियो 3 मिनट की थी। इस वीडियो में जो कुछ भी बोला था वो आपने सुना होगा, हम नहीं सुनाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या कुछ हुआ था, क्या था ये मामला। साथियों, इस वीडियो में ये सब बड़ी बातें बोली थी। इस वीडियो में ये जो बंदा है, इसने बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के संविधान पर काफ़ी ज़्यादा बड़े सवाल खड़े किए थे और ये भी बोला था कि मैं इस संविधान को जला दूंगा। ऊपर साथियों जलाने की बात कही थी, पर उस वीडियो में ये नहीं दिखाया कि इसने जलाया या नहीं। पर साथियों, जब ये मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया जाता है तो पुलिस के संज्ञान में ये मामला आता है तो एटा को अपने आप को ये व्यक्ति बताता है और एटा पुलिस इस वीडियो की जांच करती है और इस वीडियो की जांच करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। सोशल मीडिया पर पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर भारतीय संविधान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी एवं वीडियो बनाकर वायरल करने वाला युवक एटा पुलिस के अथक प्रयास से हुआ गिरफ्तार। थाना सकिट पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकरण कर दिया और भेज दिया है जेल। साथियों, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है एटा पुलिस ने। लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एटा पुलिस के बीच में ये बंदा खड़ा हुआ है जो कि बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर के संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। जिस संविधान से ये देश चल रहा है उस संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस से जब ये गिरफ्तार हुआ तो उससे जेल जाने से पहले क्या कुछ बोला, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। साथियों, आप सुनिए। क्या घटना करी आपने? सर, अपने समाज के विरुद्ध गलत बोला है और संविधान से खिलवाड़ किया है, लेकिन मैंने संविधान नहीं जलाया है, मैंने कूड़े में आग लगाई है। मैं देशवासियों से क्षमा चाहता हूँ, शासन प्रशासन से। मैंने संविधान से छेड़छाड़ जरूर की है लेकिन आग नहीं लगाई है, कूड़े में ही आग लगाई है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने ऐसा क्यों बोला? सर, कुछ पीने खाने में कुछ हो गया, मानसिकता कमजोरी की वजह से ऐसा हो गया हमारे साथ, इस वजह से हमारे साथ ये हो गया। साथियों, आपने सुना, इस व्यक्ति ने साफ साफ बोल दिया कि जो कुछ भी बोला कि नशे पत्ते में बोला। तो साथियों, इसको इतना होश रहना चाहिए कि इस देश जिसको ये गलत बोला उससे ये पूरा देश निरंतर चल रहा है, नियम अनुसार चल रहा है, उस संविधान को कैसे गलत बोल सकता है। नशे पत्ते में तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं कहूँगा, आप समझ सकते हो नशे पत्ते में क्या कुछ है। कह भी सकता है, अपने घर वालों को भी तो गलत बोल सकता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और SC ST वाले व्यक्ति क्यों इनको गलत बोलने के लिए मिलते हैं? तो साथियों, नशा पत्ता कुछ नहीं था और ये व्यक्ति ने खुद ही आकर ऐसा बोला होगा और इसने इस वीडियो में साफ ये कर दिया कि मैंने संविधान नहीं जलाया था, बस जलाने वाली बात कही थी। हमें क्या पता इसने वीडियो कट कर दी होगी और बाद में जला दिया होगा, तो इससे कोई पुष्टि नहीं होती। पुलिस ये जांच करे कि वो संविधान कहाँ है, उस संविधान को देखे, अगर जिसके हाथ में जो संविधान था इससे जो संविधान मांगा जाए, अगर ये पाया जाता है अगर इसने जलाया तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल इस दोषी को एटा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आप इस व्यक्ति की सोच पर आप अपनी कमेंट में राय दे देना। जिस तरीके की इसने हरकत की वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये देश भारत संविधान से चलता है और ये नियम अनुसार चलता ही आ रहा है और ये जो खड़ा सवाल खड़े किए वो काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। आप अपनी कमेंट में राय देना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।